हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ये क्यूट सी मिनी माउस बॉटल अपने घर पर ही कैसे DIY कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपको एक ग्लास बॉटल चाहिए। मैंने ये ग्लास बॉटल ली है और इसके बाद मैं एक्रेलिक पेंट से स्पॉन्ज की हेल्प से इसको फिल अप कर लूँगी। जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी वैसे सेम करना है। आप चाहे तो दो क्वार्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कम लगे, लेकिन ये बेस कलर है तो इसके लिए हमें यहाँ पर सिंगल कोट ही चाहिए। सो ऐसे करके आपको सारा फिल कर लेना है। यहाँ पे हमारा फुल बॉटल तैयार हो गया है और इस पर मैंने मिनी माउस को ड्रॉ कर लिया है। अभी मुझे बेस कलर के लिए पिंक कलर चाहिए था, तो मैंने वाइट और रेड कलर को मिक्स करके पिंक बनाया। इसको आपको स्पॉन्ज की हेल्प से ड्राइंग की बैकग्राउंड पे आपको फिल करना है। जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी ऐसे ही करना है, और ड्राइंग पे आपको कलर ये वाला कलर नहीं यूज़ करना। नीचे वाली का साइड पे वाइट कलर नहीं करेंगे तो पिंक कलर अच्छा नहीं दिखेगा, वो कुछ मैसी सा लगेगा। इसलिए हमने पहले वाइट कलर को नीचे लगाया है और उसके बाद हम लोगों ने पिंक कलर यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड कलर हो जाने के बाद आपको इसकी जो ड्राइंग है उसको फिलअप करना है। अभी मैं इसके फेस के लिए लाइट सा पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने वाइट में थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करके बनाया है। आप चाहें तो यही कलर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किन कलर को ले सकते हैं। ये हो जाने के बाद आपको इसको धीरे धीरे से सारा फेस है जो वो कवर कर देना है। आपको ये आराम से करना है, अगर आपने जल्दी जल्दी किया तो सारा मैसी हो जाएगा और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद जब ये बेसिक वाला हमारा जो स्किन कलर है वो सूख जाएगा, उसके बाद ही हमें नेक्स्ट कलर यूज़ करना है। अगर आपने उसके ऊपर ही ये कलर यूज़ करना शुरू कर दिया तो वो सारा ख़राब हो जाएगा। ब्लैक कलर होने के बाद हमें इसके बो पे वाइट और रेड कलर यूज़ करना है। पहले रेड कलर करेंगे, उसके बाद जो जब ये सूख जाएगा तभी हमें इस पर रेड कलर यूज़ करना है। तो ऐसे करके आप रेड कलर से इसका बो ड्रॉ कर लीजिए, और जो इसकी टंग है उस पर भी हमें ब्लैक कलर और रेड कलर यूज़ करना है, लेकिन ये तभी करें जब ये सूख जाए। जब भी आप पेंट करना शुरू करें तो आपके पास दो वाटर ग्लासेस होने चाहिए। एक आपको उसको साफ़ करने के लिए यूज़ करना है जिससे कि सारा कलर निकल जाए ब्रश में से, और सेकेंड वाले ग्लास में आपको जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाला वाटर रखना है जिससे कि हमारा जो ब्रश है वो बिल्कुल साफ हो जाए। ऐसा करने से आपकी जो ड्राइंग है वो मैसी नहीं दिखाई देगी और इसके कलर जो है मिक्स नहीं होंगे, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगे। इसके बाद हमें आईज पे वाइट कलर ड्रॉ करना है। वाइट कलर हमें बिल्कुल ध्यान से फिल करना है ताकि ये ब्लैक जो है वो हमारा ख़राब ना हो जाए। ब्लैक कलर सूख गया है, इसके बाद ही मैंने वाइट कलर किया है। बैकग्राउंड पे हार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पोटैटो को हाफ कट कर लिया है, उस पर एक हार्ट शेप से ड्रॉ कर लिया है और इसको मैं कट कर रही हूँ अभी। ऐसा करने से हमारे जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल
साथ साथ सेम साइज़ के ही हर्ड हमें मिल जाएंगे। अभी इस हर्ड को हमने रेड कलर में डिप कर लिया है, डिप करने के बाद हम इस पर प्रिंटआउट्स लगाएंगे। अगर आपको इस पर जो कलर है वो डिप करने के बाद ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा कलर रिमूव कर लें और फिर इसका प्रिंट आउट लें। अब मैंने यहाँ पे मिनी पेंसिल से मिनी लिख लिया है और पेंसिल इसके ऊपर ऊपर ही मैं आउटलाइन बनाती जाऊँगी। ये वही वाला आउटलाइनर है जो हमें ग्लास वाटर कलर के साथ में मिलता है, तो इससे मैं मिनी लिख लूँगी। ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी ऐसे कुछ बॉटल रेडी हो गई है। अभी ये कलर बिल्कुल सारे सूख चुके हैं, उसके बाद आपको क्या एक स्टेप और करना है। अभी लास्ट में हमें फेविकॉल यूज़ करना है या फिर मॉड पॉज। मैं यहाँ पे फेविकॉल, हाफ फेविकॉल और हाफ उसमें ले रही हूँ वाटर, सेम क्वांटिटी में डालकर उसका एक लिक्विड बना लेना है। जब ये कंकॉक्शन बन जाएगा उसको मिक्स करके आपको इस पर यूज़ करना है। एक तो ये हमें बहुत सुंदर सी शाइन देगा, दूसरी बात ये कि जो भी हमने इस पर पेंट किया है या जितने भी हमने कलर्स यूज़ किए हैं वो हाथ लगाने से उतरेंगे नहीं और बिल्कुल ऐसे इंटैक्ट रहेंगे जब भी हम इसको, मतलब जितना मर्जी यूज़ करें। और ये है हमारी बॉटल का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये कैसा लगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे वहीं पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।